स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 14 अगस्त, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। आंसर बी 14 अगस्त। एक्सप्लेनेशन, विभाजन के दर्द को याद करने के लिए और लोगों को उस दौर के माहौल को दिखाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जो विभाजन की भयावहता से प्रभावित हुए और उन्हें बहुत तकलीफ हुई। यह उनके साहस को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो मानवीय लचीलेपन की शक्ति को दर्शाता है। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में 3 और आर्द्र भूमियां जोड़े जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ए 75, बी 80, सी 85, डी 90। आंसर सी 85। एक्सप्लेनेशन, भारत ने हाल ही में अपनी रामसर साइटों की सूची में 3 और आर्द्र भूमियां जोड़ी हैं। इनमें तमिलनाडु के नांजारान और काजूवेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय शामिल है। अब भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 85 हो गई है। भारत के रामसर स्थल में चिल्का झील एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लैगून के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा देश में खोजा गया है? ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी ब्राजील, डी तुर्की। आंसर एक्सप्लेनेशन, तुर्की में पुरातत्वविदों ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है। ये कैलेंडर 12,000 साल पुराने पत्थर के खंभे पर उकेरा गया है जिसे पुरातत्वविदों ने तुर्की के गोबेकली टेपे साइट पर खोजा है। यह मानव सभ्यता की समय रेखा को फिर से लिखने में मदद करेगा। इस कैलेंडर के अनुसार प्राचीन मानव 150 ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस में प्रलेखित होने से पहले समय का ट्रैक रखने के लिए सटीक तरीकों का पालन करते थे। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने चावल की कौन सी किस्मों की खोज की है जो उर्वरक के उपयोग को कम कर सकती है? ए अर्बोरियो, बी जैस्मीन, सी बोम्बा, डी ढाला हीरा। आंसर डी ढाला हीरा। एक्सप्लेनेशन, तुर्की वैज्ञानिकों ने चावल की ऐसी किस्मों की खोज की है जो उर्वरक के उपयोग को कम कर सकती है। वैज्ञानिकों ने चावल की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता NUE में प्राकृतिक विविधताओं के साथ साथ संबंधित लक्षणों और जीनों की खोज की है। ढाला हीरा किस्म उच्च NUE और कम विकास अवधि दोनों का दावा करती है। कृषि स्थिरता में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता NUE एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने किस देश की सेना के साथ उदार शक्ति 2024 अभ्यास में भाग लिया? ए मलेशिया, बी कनाडा, सी थाईलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर ए मलेशिया। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वायुसेना ने मलेशिया में उदार शक्ति 2024 अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास उदार शक्ति 2024 रॉयल मलेशियाई वायुसेना RMF के सहयोग से 05 से 9 अगस्त 2024 तक कुआतन मलेशिया में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में IAF ने SU-30M के AI फाइटर जेट्स के साथ हिस्सा लिया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं की परिचालन दक्षता और तकनीकी विशेषज्ञों को बढ़ावा देना है।